नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। सप्ताह का आरंभ बुरी खबरों से हुआ था। नाबालिग से बलात्कार करने जैसी शर्मिंदा खबरें आई थी। सोमवार की रात मानवता को संसार करने वाली जैसी खबरें आई थी। नरकटियागंज पश्चिम चंपारण में 12 वर्ष की नाबालिग लड़की का शव मिला। जिस अवस्था में यह लड़की मिली है उससे संदेह किया जा रहा है कि लड़की के साथ व्यभिचार हुआ था। सोमवार की रात गया रोहतास जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर आई थी। 5 वर्ष की दो बच्चियों के साथ बलात्कार और उसमें एक साथ सामूहिक बलात्कार करने की खबर आई है। सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर नदी के किनारे फेंक दी गई थी। समस्तीपुर में बेसहारा लड़की के साथ बलात्कार किया गया। रेलवे पुलिस ने दोषी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। मदद करने के नाम पर स्टेशन के एक वेंडर ने बलात्कार किया। रेलवे पुलिस ने इसके बाद उस लड़की को देखा और इसकी शिकायत पर तुरंत ही कार्रवाई कर दोषी को पकड़ लिया। इन खबरों पर ध्यान देते हुए एक महत्वपूर्ण बात नोट करना जरूरी है। स्त्री उत्पीड़न मामलों में सरकार और पुलिस के साथ समाज की तरफ भी उंगली उठानी चाहिए। नीतीश कुमार छठ पूजा के बाद एक और यात्रा पर निकलेंगे। मंत्री लेसी सिंह ने बताया कि यह यात्रा महिलाओं के साथ विशेष संवाद यात्रा होगी। समझा जाता है कि नीतीश कुमार की सत्ता को उनकी महिला मतदाता सुरक्षित करती हैं। हालांकि चुनाव विश्लेषक महिला वोट कॉन्स्टिट्यूएंसी को विशेष महत्व नहीं देते हैं। वृद्ध लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर आई है। 70 वर्ष से ज्यादा के वृद्ध को केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ी घोषणा दी गई है। 70 वर्ष से अधिक के लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बुधवार को 70 वर्ष ऊपर के उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक खर्च होगा। केंद्र सरकार ने आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा का घोषणा कर दिया है। इसके लिए 3437 करोड़ रुपए की मंजूरी हुई है। राज्य सरकार में भारी पैमाने पर ग्रामीण सड़क बनेगी, साथ ही पुल पुलिया भी बनेगी। बुधवार की खबर है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार की बजट से 26,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाएगी। इसमें 10,000 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन भी होगा। साथ में 1600 पुल पुलियों के निर्माण की भी घोषणा है। पुलियों और बड़े ब्रिज अनेकों गांव को एक दूसरे से जोड़ते हैं। बिहार में इस काम को बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। निर्माण कार्य तो हो रहे हैं परंतु सिविल इंजीनियरिंग के बहाली की खबर नहीं आती है। इस दफा सड़क निर्माण के लिए 231 सहायक अभियंताओं की घोषणा की गई है। गांव में पानी को रोकने वाली सड़क कारगर नहीं होती है, इसके लिए नीतीश कुमार ने पुल पुलिया बनाने की घोषणा की है। घोषणा यह है कि पुल पुलियों का निर्माण सड़क के साथ साथ ही पूरा किया जाएगा। पुलों की मरम्मती के साथ साथ 65,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की मरम्मती की भी योजना है। पुलियों के साथ अप्रोच रोड को दुरुस्त किया जाएगा। सारी खबरें ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी ने दी है। ठेकेदार को ही ग्रामीण सड़क और पुल की मरम्मत करनी होती है। विशेष बात यह है कि योजना के अनुसार उस परियोजना का 10% 5 वर्ष पूरा होने के बाद भुगतान किया जाता है। तब तक मरम्मत करने की जिम्मेवारी उसी ठेकेदार पर रहती है। इस सप्ताह राहुल गांधी की अमेरिका से खबरें आती रही हैं। जीतन राम मांझी ने भाजपा की ही भाषा में मिलकर राहुल गांधी पर अटैक किया। मांझी ने आगे बढ़कर राहुल को देशद्रोही कह दिया। और ये भी हम कहना चाहते हैं कि जो दूसरा लोग देश में बोलना चाहिए, पार्लियामेंट में बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ न बोल करके दूसरे देशों में जाकर के बोलते हैं तो निठाह उसको कह सकते हैं कि वो देशद्रोह का काम करते हैं। ऐसे को देशद्रोही घोषित करना चाहिए। ऐसे की सदस्यता लोकसभा का रद्द करने की कार्रवाई करनी चाहिए। राहुल ने चीन के भारत में घुस जाने का आरोप लगाया है। इस सप्ताह आरएसएस पर और जनतंत्र को खत्म करने संबंधित बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने अमेरिका में अलग अलग जगह पर बातें कही। राहुल ने चीन के भारत में घुस जाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी की सबसे तीखी टिप्पणी यह थी कि मोदी सरकार चीन के सामने घुटने टेक दे। इसके कार्यकाल में दिल्ली राज्य के पूरे क्षेत्रफल 4000 वर्ग फीट किलोमीटर के बराबर की जमीन चीन ने हथिया ली है। अपेक्षा की जा रही है कि राहुल को यह सब बात अपने संसद और अपने देश में कहनी चाहिए। विदेश में जाकर भारत को बदनाम नहीं करना चाहिए। भारत के लिए चीन से अच्छी खबर आई है। चीन ने गलवान घाटी समेत 3 अन्य घाटियों से सेना को वापस बुला लिया है। चीन के सैनिक गलवान घाटी समेत
तीन और जगहों से पीछे हटे हैं। यह भारत के साथ संबंधों को सुधारने के प्रति एक नया आयाम हो सकता है। जम्मू कश्मीर में चुनाव का माहौल तेज हुआ है। डोडा में पीएम मोदी ने एक सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीन परिवार जम्मू कश्मीर को लूटती रही है, शेख अब्दुल्ला परिवार, कांग्रेस और पीडीपी परिवार। शेख अब्दुल्ला परिवार, कांग्रेस और पीडीपी परिवार पर उन्होंने निशाना साधा। जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव तीन खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। एक तरफ तीन खानदान है और दूसरी तरफ सपने लेकर के निकल पड़े जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान बेटे बेटियां हैं। ये तीन खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीएम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उल्लेखनीय है कि उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के आतंकवाद नियंत्रण की योजनाओं पर तीखा सवाल पूछा है। पूर्व मुख्यमंत्री की तीसरी पीढ़ी के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि 2018 तक जम्मू कश्मीर में उग्रवाद बहुत हद तक नियंत्रित कर लिया गया था। आज मोदी सरकार की नीतियों की वजह से कठुआ कुंज जम्मू इलाके में उग्रवाद को तेज कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आत्मघाती शैली में जम्मू कश्मीर में चुनावी कैंपेन की शुरुआत की। जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव 18 सितंबर से शुरू हो जाएगा। 90 सीटों पर तीन चरण में चुनाव करवाए जाएंगे। उन्होंने विपक्ष को कहा है कि अन्य दलों के वापस आ जाने पर जम्मू कश्मीर में धारा 370 वापस नहीं होगा। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दे दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर चुनाव के साथ ही हरियाणा चुनाव भी होगा। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव कैंपेन में कांग्रेस ने अपनी बढ़त बना ली है। रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में आ गए हैं। दोनों ने पिछले वर्षों में लगातार स्त्री विरोधी आचरण का सर्वप्रमाण आरोप लगाया था। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सहमति करके चुनाव लड़ने की बात नहीं बनी। आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर लड़ना चाहती है और कांग्रेस उन्हें 5 सीट देने के लिए तैयार थी। इस बीच आम आदमी पार्टी ने 20 सीटों पर लड़ने का मन बना लिया। हरियाणा चुनाव के प्रचार के लिए अब केजरीवाल भी बाहर आ गए हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। इसके साथ ही वो घर लौटा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। अपने डेढ़ हाथ बांधकर वो मुख्यमंत्री पद भार संभाल सकेंगे। 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और उज्जवल भूया के बेंच ने शुक्रवार 13 सितंबर को 10 लाख के बॉन्ड पर केजरीवाल को जमानत दे दी। पटना हाईकोर्ट के कुछ वकीलों ने पेडेस्टल सर्वे को रोकने की सिफारिश की। योगेश वर्मा और कृष्णा प्रसाद ने बिहार भूमि सर्वे रोकने के लिए कहा। विमर्श न्यूज में इस विषय पर एक वीडियो जारी किया हुआ है। वकीलों की राय है कि सरकार के पास इस काम के लिए तैयारी ही नहीं है। जमाबंदी का रजिस्टर 2 का पन्ना कई ब्लॉक में फाड़ दिया गया है। जमींदारी उन्मूलन के बाद जमींदारों ने जमीन लौटाया था, वह रिकॉर्ड बहुत जगह गायब है। यह जल्दीबाजी का काम नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बनने पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। तेजस्वी यादव ने शिकायत की है कि बिजली बिल को लेकर लोग परेशान हैं। बिजली बिल की शिकायत के बाद सत्ता पक्ष के लोगों ने तेजस्वी यादव को झूठा बता दिया, परंतु बिजली उपभोक्ताओं की यह बड़ी शिकायत सामने आ गई। इसके बाद बिजली विभाग कैंप लगाकर बिल संबंधित शिकायतों का निपटारा करने की घोषणा कर रही है। देखिए, पूरे बिहार में जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, लोगों से यही सुनने को मिल रहा है कि लोग जो है बिजली के बिल से, महंगे बिजली के बिल से लोग बहुत परेशान हैं। खास तौर पे जो प्रीपेड जो मीटर रहा है उससे लोग जो है काफ़ी परेशान है, आहत है। और बिहार जो है बिजली के मामले में सबसे महंगा अगर कहीं बिजली मिलता है पूरे देश में तो वो बिहार है।
और हम बताना चाहेंगे कि हम लोग नया बिहार बनाना चाहते हैं, नई सोच के साथ बिहार के लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। तो अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिहार के लोगों को बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली बिहार के लोगों को हम लोग जो है उपलब्ध कराएंगे। सप्ताह के शुरुआत में नीतीश कुमार अनंत सिंह के घर लदमा पहुंच गए थे। रेलवे आरओबी का निरीक्षण करने बख्तियारपुर पर पहुंचे नीतीश का काफिला आगे अनंत सिंह के घर पहुंचा। इस पर विपक्ष ने बवाल काटा। तेजस्वी यादव ने मधुबनी में बढ़ रहे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इतने सालों में डबल इंजन की सरकार को मिथिला का ख्याल नहीं आया। तेजस्वी ने कहा कि पुलिस शराब में लगी हुई है। केंद्र में 11 साल से सरकार है, अहुमच के लोग यहाँ से वोट देता है एनडीए को, लेकिन बदले में क्या मिलता है? गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, लाचारी, पुल पुलिये हो, इस सरकार में ऐसे गिरते हैं। भ्रष्टाचार इस कीमत हो चुका है, थाना चले जाइए, ब्लॉक लेवल चले जाइए, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, ये तो अब आम बात हो गई है। लोगों ने जीना अब जो है सीख लिया है। सरकार को कोई मतलब नहीं, पुलिस को कोई मतलब नहीं, पुलिस शराब के पीछे। नीतीश कुमार ने झुक झुक कर माफी मांगने की आदत डाल ली। तेजस्वी यादव ने आपत्तिजनक बयान दी। तेजस्वी ने याद दिलाया कि नीतीश कुमार उनकी माँ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पैर पड़कर माफी मांगते गए थे। वीरचंद पटेल पद पर इस बयान ने बयानबाजियों का सिलसिला शुरू कर दिया। राजद के दफ्तर से जगदानंद सिंह ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में नीतीश कुमार हाथ जोड़कर पीछे राबड़ी देवी का अभिवादन ले रहे हैं। राबड़ी देवी भी हाथ जोड़कर अभिवादन करती हुई पीछे बैठी हुई हैं। तेजस्वी यादव ने जमीन सर्वे के ऊपर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जमीन सर्वे को आम लोगों के लिए थोड़ा स्पष्ट और सरल बनाया जाए। में हर वर्ग के लोगों को परेशानी हो रही है, इसमें आरजेडी का क्या स्टैंड है? इसमें साफ तौर पर हमने शुरू दिन से ही कहा था कि इसको और सरल और सुगम बनाने की जरूरत है। लैंड सर्वे जो हो रहा है, जो परेशानी कठिनाइयां हो रही हैं, जिसमें नियम कायदा है, इसको और सरल, सुगम और थोड़ा प्रैक्टिकल बनाने की जरूरत है। तो लोगों की परेशानी जो है उसको डिटेक्ट करके उसको दूर करने की आवश्यकता है। लोगों से बात करने की ज़रूरत है, एक समीक्षा की ज़रूरत है। समीक्षा के ज़रिए जो कमी है, जो लोगों को परेशानी आ रही है, उसको दूर करना चाहिए। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर विजयपुरम किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है। ब्रिटिश राज के जमाने के नाम को बदलने का सिलसिला जारी है। यह घोषणा अमित शाह ने अपने ट्विटर हैंडल से की। तो ये थी अब तक की खबरें। आपको हमारा खबरों का बुलेटिन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज के लिए धन्यवाद।